हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पूजा। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। सो बिफोर वी स्टार्ट टुडेज व्लॉग, आई वांट टू शेयर अ वेरी स्मॉल इंसिडेंट। विद दैट आई वांट टू गिव यू ऑल अ वेरी सिंपल येट अ वेरी वेरी प्रोफाउंड मैसेज, जो आई एम श्योर आप सभी के काम आएगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर यू आर अ होम मेकर और अ प्रोफेशनल वर्किंग वूमन या जो भी हो आप। आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू इन सम वे और द अदर। सो फ्रेंड्स, आई एम श्योर हम सबकी लाइफ में कोई ना कोई गोल्स होते हैं, वेदर इट इज़ अ शॉर्ट टर्म गोल या लॉन्ग टर्म गोल। इट कैन बी प्रोफेशनल, पर्सनल, एनी काइंड ऑफ गोल। हो सकता है इफ़ यू आर अ होम मेकर आपका गोल हो कि टू बी अ परफेक्ट मदर, अ परफेक्ट वाइफ, या आप घर को बहुत अच्छे से सजा के रखो। इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमन, यू आर वर्किंग हार्ड टू प्रूव योर सेल्फ, टू क्लाइंब अप द लैडर एक्सेट्रा। मेरा भी गोल है टू बी अ सक्सेसफुल यूट्यूबर। And I started my YouTube journey with a hope and with a wish that I want to be a successful YouTuber too. So, जब मैंने ये start किया था, I was into food recommendations. My YouTube channel was more about food recommendations, what's happening in Chennai, etc. And I started daily vlog series, which was in August. I started exactly 2 months back, and मैं डालती गई अपने व्लॉग्स, मोटिवेटेड रहती गई बिना ये सोचे कि कितने व्यूज़ आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, बिकॉज आई वॉन्ट टू अचीव माई गोल्स। बट स्लोली एंड स्टेडिली आई रियलाइज इन द लास्ट 2 मंथ्स दैट मेरे जो फूड रिकमेंडेशंस वाले वीडियोज़ हैं या फिर जो स्टोर टूर वाले वीडियोस हैं, दे वर गेटिंग मोर व्यूज कंपेयर टू माय डेली व्लॉग्स। आई अपलोडेड द खाओगली 3 वीडियो एंड इट वेंट्स एंड इट डिड क्वाइट वेल कंपेयर टू द अदर वीडियोस। फिर आया कैलाश पर्वत वाला वीडियो, वो भी बहुत अच्छा गया कंपेयर टू द अदर डेली व्लॉग वीडियोस। एंड देन आई रियलाइज कि माय अदर वीडियोस आर डूइंग बेटर देन माय डेली व्लॉग्स। तो मैं ये डेली व्लॉग्स करूं या नहीं, आई वॉजंट मोटिवेटेड। एक मेरी फ्रेंड है जो मेरी सब्सक्राइबर भी है, उन्होंने मुझसे पूछा भी था और मैंने उनसे कहा था कि यार मोटिवेशन नहीं है, आई एम वेरी डीमोटिवेटेड क्योंकि हार्डली व्यूज़ आते हैं। अगर 1500 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, मेरे तो 150 व्यूज़ भी नहीं आते, 10% भी नहीं आ रहे हैं। तो आई एम अ काइंड ऑफ यू नो इट दैट पुट्स मी डाउन, आई एम डीमोटिवेटेड टू डू दीज डेली व्लॉग्स। जबकि मेरे अदर वीडियोज़ अच्छे चल रहे हैं तो क्यों ना मैं वही करूँ। तो इस चक्कर से मैंने अपने डेली व्लॉग्स डालने बंद कर दिए थे। एंड ऑन मंडे मॉर्निंग आई वॉज डिस्कसिंग विद विपुल कि यार मुझे करना है ये काम, मुझे व्लॉग्स डालने हैं, डेली व्लॉग्स भी डालने हैं, बट आई एम नॉट मोटिवेटेड टू डू दैट, मैं क्या करूँ। विपुल वॉज डूइंग हिज बिट, ही वॉज पुशिंग मी एंड ही वॉज डूइंग हिज बिट। और उस दिन शाम को जब मैंने इंस्टाग्राम पे अपनी एक पोस्ट डाली, उसी दिन मंडे को मैंने इंस्टाग्राम पे नवरात्रि रेसिपी सीरीज स्टार्ट की थी। तो मैंने बादाम हलवा, माय फर्स्ट पोस्ट वाज बादाम हलवा की रेसिपी, मैंने वो डाला और सडनली मेरे को एक पॉपअप मैसेज आया इंस्टाग्राम पे कि मैम आपके ब्लॉग्स नहीं आ रहे हैं, व्हेन आर यू गोना पुट योर नेक्स्ट डेली ब्लॉग। एंड दैट वन मैसेज फ्रेंड्स, बिलीव मी, इट गेव मी दैट इंस्टेंट बूस्ट ऑफ एनर्जी एंड इंस्टेंट बूस्ट ऑफ मोटिवेशन इन साइड मी। ऑफकोर्स आई हैड टीयर्स इन माई आईज वाइल रीडिंग दैट एंड हैप्पी टीयर्स ऑफकोर्स, एंड आई वॉज सो हैप्पी, सो सो हैप्पी। एंड आई रियली फेल्ट कि वो भगवान का एक इशारा है मुझे कि यू कंटिन्यू टू डू वॉट यू आर डूइंग एंड यू विल रीच वे यू वॉन्ट टू रीच। And I was, and then I decided कि नहीं अब मैं डालूंगी चाहे views आए या ना आए, because I know there is someone other than my family who is waiting to see these vlogs, who is loving to watch these vlogs. I wish मैं उनका नाम ले पाती आज, but I don't know how comfortable she would be, but she doesn't know that for me she was God sent angel who gave me that instant boost of energy and who got me back on track with my daily vlogs. Thank you so much. So with this experience of mine, I want to share a message friends ki hum aksar apne goal se divert ho jate hain, demotivate ho jate hain. That's human, I mean it's very natural, that's human nature.
बट स्टे फोकस्ड, कहीं ना कहीं भगवान आपको इशारा ज़रूर देता है अपने तरीके से, किसी इंसान के थ्रू, जैसे मुझे मिला मेरी सब्सक्राइबर के थ्रू. सो आई एम श्योर भगवान इशारे ज़रूर करता है, वेदर टू इंडिकेट अस वेदर वी आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट, एंड विल वी अचीव सक्सेस और नॉट, एंड वो सिर्फ हमारे हाथ में होता है. बिकॉज मैंने मेरे लाइफ के बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं वेयर आई ट्रूली ट्रूली बिलीव इफ़ यू डिज़ायर समथिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट एंड यू वर्क हार्ड फॉर इट, द यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू ब्रिंग दैट टू यू. वो हिंदी में कहते हैं ना, अगर आप तहे दिल से किसी चीज़ को चाहते हो तो सारी कायनात उसको आपसे मिलाने में जुड़ जाती है. दिस इज़ वेरी वेरी ट्रू. सो हैंस फोर्थ आई हैव डिसाइडेड दैट आई विल नॉट गेट डीमोटिवेटेड, चाहे मेरे 20 व्यूज आएँ, चाहे 30 आएँ, 40 आएँ, आई एम गोइंग टू डू माई बिट फॉर माई जर्नी. आई एम गोइंग टू गिव माई हार्ट एंड सोल टू इट, एंड आई एम श्योर इसके रिजल्ट्स मुझे मिलेंगे. कब मिलेंगे ये मैं नहीं जानती, बट आई एम श्योर मिलेंगे. एंड आई थैंक यू ऑल फॉर सपोर्टिंग मी. हु एवर हैज़ बीन सपोर्टिंग हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी ऑफ माइन. थैंक यू सो मच एंड कीप सपोर्टिंग एंड शावरिंग योर लव. सो या विद दिस आज का ज्ञान शुरू करते हैं आज का व्लॉग. मेरे पास दो पी आर पैकेजेस आए हुए हैं. एक पी आर पैकेज है और एक इन्वाइट है. आई विल शो यू दैट. और एक तो कुकर है जो पीआर पैकेज है फ्रॉम अ चेन्नई बेस्ड ब्रांड. सो दिस इज द ब्रांड अल्ट्रॉन. अल्ट्रॉन ब्रांड ने ये 5 लीटर्स का कुकर मेरे को भेजा है. ये मेरे को आ गया था कल एक्चुअली, लेकिन इसकी अनबॉक्सिंग मैंने आज की है. This is how it looks. So ये basically बाहर से आपको स्टील लुक देगा. बाहर से लग रहा होगा कि ये स्टील का कुकर है, बट इट्स एक्चुअली एल्यूमिनियम. आजकल ऐसे बर्तन काफ़ी चले हुए हैं. मैं जब अपना इडली कुकर लेने गई थी तब भी मैंने देखा था इडली कुकर जो बाहर से स्टील का है बट अंदर से एल्यूमिनियम का है. सो दिस कुकर इज ऑल्सो द सेम. इसका ये बाहर से देखिए ये पूरा स्टील है और ये अंदर एल्यूमिनियम है. एंड ये देखिए ये पार्सल जस्ट आया है मेरे पास. एंड कल मुझे जाना है इसकी ओपनिंग में, विच इज़ सो ऑल दोज हु आर वॉचिंग फ्रॉम चेन्नई गाइज, बीकानेर वाला इज लॉन्चिंग इन चेन्नई इन नुंगम्बाकम. सो प्लीज़ डू विजिट देम. आई विल शेयर ऑल अदर डिटेल्स इन माई नेक्स्ट व्लॉग व्हेन आई एम गोइंग फॉर द लॉन्च. Meanwhile, let me do this unboxing and share the story on Instagram, and I will show you guys in a while ki kya mila hai, kya aaya hai hamper mein. खाने के बाद हमने हैम्पर से थोड़ा बहुत सामान टेस्ट किया. द खाखरा वॉज सो गुड फ्रेंड्स. मैंने विपुल को बोला कि कल जब हम वहाँ जाएंगे लॉन्च पे, वी आर गोइंग टू बाय दैट पैकेट ऑफ खाखरा एंड अदर पैकेट ऑफ खाखरा. बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है एंड इट इज़ मल्टी ग्रेन. मैं आपको दिखाऊँगी. परी वो खाखरे का डब्बा दे तो मल्टी ग्रेन है और बहुत ही टेस्टी है जीरा फ्लेवर के साथ. उसके बाद हमने लंच किया, फिर थोड़ी देर रिलैक्स किया, मेरा व्लॉग अपलोड किया कल वाला. तो इफ़ यू हैव नॉट सीन दैट प्लीज़ जाके देखिए, वो एडिट करके मैंने अपलोड किया. एंड नाउ वी आर हैविंग चाय. परी तेरी चाय में ना कलर है ना कुछ, और इतनी सारी दे दी तूने मेरे को. ज़्यादा बन गई. ओके और कलर की बात नो गाइस, यू टेल मी डज द कलर ऑफ द टी मैटर और द टेस्ट ऑफ द टी. Do let me know in the comments. No. You guys let me know in the comment section. I'm sure it's the taste of the tea, not the color of the tea. Never judge a book by its cover. ओके okay, मैं गंदा मंदा खाना बना के रख दूंगी, तू खा लेगी, तू शक्ल देख के बोलेगी ऐसा कैसा बनाया. अच्छा बनाया तो आई एम गुड. ओके फाइन. अब ये खाकरा मुझे खोल के दिखा. आई वॉन्ट टू शो माई सब्सक्राइबर्स की कैसा है. बहुत ही टेस्टी है. अब मैं चाय के साथ थोड़ा सा खाने वाली हूँ. और वो नमकीन पारे भी दिखाना, नमकीन पारे भी बहुत टेस्टी हैं. I will show you both.
सो ये है फ्रेंड्स खाकरे का डब्बा, मल्टीग्रेन जीरा खाकरा, एंड हमने ये टेस्ट किया था। इसका आप देख सकते हैं कलर भी, इट्स नॉट आटे वाला कलर नहीं है, तो ऐसे लग रहा है इसमें जैसे काफ़ी सारे ग्रेन्स मिक्स है ना, रागी वगैरह उसके साथ, मक्की रागी एंड ऑल। दीज आर दोज नमकीन पारास। सो दोनों ही बहुत ही टेस्टी हैं, एंड या नाउ वी आर गोना एंजॉय आर चाय विद दैट। सो मिलती हूँ चाय के बाद। अब चाय वगैरह हो गई है, अब मुझे शूट करनी है अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट, एंड उसके लिए मैं तैयार होंगी। सो आई एम ऑल रेडी फॉर द शूट, एंड इफ आई शो यू मैंने क्या पहना है, आप बहुत ज़्यादा हंसने वाले हो मेरे पे। आई विल शो यू, बट प्रॉमिस मी आप जेन्युइनली कमेंट करके बताना कि जब आपने देखा तो आपके क्या रिएक्शंस थे। जेन्युइनली ये कमेंट करके बताना। आई विल शो यू व्हाट एम आई वेयरिंग। ऊपर तो आपको दिख ही रहा है, ये एक कुर्ता पहना है मैंने, बड़ा सिंपल सा, और ये बड़ा पुराना कुर्ता है मेरा। सो ये पहना है, मैं दिखाती हूँ नीचे क्या पहना है मैंने। सो दिस इज़ व्हाट आई एम वेयरिंग, एज आई सेड इट्स अ कुर्ता, एंड ये बहुत पुराना सा कुर्ता है, एंड ये देखिए नीचे। दैट्स बिकॉज मैंने ये शॉर्ट सुबह से पहनी हुई है, इस पर मैंने टी शर्ट डाल रखी थी घर पे, और अभी वीडियो के लिए मैंने सिर्फ ये कुर्ता डाला है एंड उसी शॉर्ट्स के ऊपर, बिकॉज मैं चेयर पे बैठ के वीडियो लेने वाली हूँ। सो नीचे क्या पहना है ये तो दिखने वाला है नहीं, सो आई थॉट वाई टू गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन, तो मैं उसी में वीडियो ले लूँगी। एंड इंस्टाग्राम पे ज़रूर जाके देखिएगा ये वाली पोस्ट, एंड जेन्युइनली कमेंट करके बताइएगा कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि मैंने ऐसा ही कुछ पहना होगा नीचे, ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सो आई एम ऑल सेट फॉर द शूट, आप देख रहे हैं इतना ही दिख रहा है। सो मैंने नीचे क्या पहना है डजंट मैटर एट ऑल, एंड ये रहा कुकर जिसको लेके मुझे बात करनी है, एंड दिस इज़ लैंडस्केप मोड, इसीलिए आपको लग रहा है कि ये तो दिख ही नहीं रहा है, बट इंस्टाग्राम के लिए पोर्ट्रेट मोड पे लूँगी तो ऑब्वियसली दिस विल बी सीन। तो मैं पहले अपना शूट ख़त्म करती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ, सी यू इन अ व्हाइल। सो वो शूट हो गया था, वीडियो एडिट हो गई थी, वीडियो अपलोड भी कर दी, एंड देन मुझे कॉल आया PR पर्सन का कि आपको ये वीडियो डिलीट करनी होगी, बिकॉज उनके थोड़े स्पेसिफिकेशंस थे जो कि उन्होंने मुझे पहले नहीं बताए। वीडियो अपलोड होने के बाद मुझे बताए गए कि ये स्पेसिफिकेशंस थे, ये तो पूरे हुए ही नहीं वीडियो में। सो वीडियो डिलीट करनी पड़ी मुझे, एंड नाउ आई विल हैव टू रीशूट द वीडियो। तो मैंने उनसे कहा कि आई विल नॉट बी एबल टू रीशूट दिस वीडियो, मैं उस कुकर के साथ एक रेसिपी वीडियो कर लूँगी और वॉइस ओवर दे दूँगी, आई थिंक दैट विल बी ईजी फॉर मी। तो बस अभी वो करना पड़ेगा, आई वॉज अ लिटिल अपसेट, बट दैट्स ओके, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम, सो इट्स फाइन। कर भी क्या सकते हैं, बिकॉज उनके स्पेसिफिकेशंस थे जो उन्होंने मुझे पहले नहीं बताए, अब बताए हैं, एंड नाउ आई हैव टू फॉलो दैट, सो इट्स फाइन, इट्स ओके। सो बस अब मैं चेंज करूँगी फिर से, अब हम डिनर करेंगे, एंड आई थिंक आई एंड दिस व्लॉग हियर, बिकॉज टुमारो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग डे। So yeah, that's all friends, that's all for this vlog. I hope you liked and enjoyed watching this vlog. If so, please comment and let me know. And yeah, see you tomorrow on a new day in a new vlog. Until then, take care, stay tuned, and do consider to subscribe my channel. And don't forget to follow me on Instagram for all the latest updates. See you tomorrow. Bye-bye. Take care.